everyone. This is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके अप्रैल मंथ का टेरोस्कोप लेकर के. जी हाँ, बताएंगे आपको कि अप्रैल के महीने में क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या कुछ पीछे छूट जाएगा और क्या कुछ नया आपकी लाइफ में आएगा. कहाँ पर होंगे ब्रेकअप्स या फिर जुड़ जाएंगे दिल और कहाँ फटेगा आपका मोटा मोटा बिल. जी हाँ, अप्रैल का महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, ये रीडिंग है हमारे अगले साइन जो है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए. तो सेजिटेरियस, आपकी लाइफ में अप्रैल में क्या कुछ होगा उस बारे में बात करेंगे. कार्ड्स आपके लिए आए हैं द जजमेंट, मदर हीलिंग, ब्रोकन हार्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, रिमेन पॉजिटिव. टैरो की बात करें तो न्यू बिगनिंग्स, एस ऑफ राफियल, एस ऑफ माइकल, सिक्स ऑफ एरियल, चैरियट एंड क्वीन ऑफ माइकल के कार्ड्स आए हैं. ओके, सो सेजिटेरियस क्या कुछ होने वाला है. सबसे पहले बात करते हैं आपके मनी लाइफ को लेकर के कि मनी मैटर्स कैसे रहेंगे अप्रैल के महीने में, पैसे का फ्लो कैसा रहेगा. कार्ड्स आपके लिए आए हैं एस ऑफ माइकल एंड सिक्स ऑफ एरियल. तो पैसे का जो फ्लो है वो बैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर 6 रुपये आने थे अप्रैल में तो जी 6 ही आ रहे हैं, ना 5 आएंगे ना 7 आएगा, यानी कि ना कम होगा ना ज़्यादा बढ़ेगा. तो जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आपके पास में बैलेंस तरीके से आता रहेगा. आपकी जितनी भी मटेरियल नीड्स हैं दे विल बी गेट फुलफिल्ड मैजिकली. और इतना भी बता दूं मैं, मनी फ्लो का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि पैसा हाथ में आना इंपॉर्टेंट है. मेन ये है कि आपको जो जो काम करने हैं जिसके लिए पैसा चाहिए वो काम आपके सारे हो जाएंगे. काम आपका कोई भी नहीं रुकने वाला है पैसे की वजह से, क्या कैश फ्लो की वजह से या फिर किसी भी और रीज़न की वजह से. तो मनी फ्लो बैलेंस रहने वाला है, काम आपके सारे बन जाएंगे. विद दिस एस ऑफ माइकल आपकी सारी चीज़ों में आपको विजय हासिल होगी, आपकी सारी मेटेरियलिस्टिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी. ठीक है जी, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो है आपको दिखाना चाहिए. जब आपको भगवान इतना कुछ दे रहा है तो आप जो है मनी मैटर को लेकर के दान पुण्य भी जो है अप्रैल के महीने में ज़रूर करें. अब बात करते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा. कार्ड्स यहाँ पे आए हैं क्वीन ऑफ माइकल एंड न्यू बिगिनिंग्स. स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट. यहाँ पे दो मैसेज बड़े स्ट्रॉन्ग है. करियर की अगर हम बात करें कैसा रहेगा तो बैलेंस और अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ प्लस होगा. क्वीन ऑफ माइकल भी आए हैं तो खास करके कोई फीमेल है जो इस वीडियो को देख रही है तो आपके केस में अपग्रेड दिखाई देता है, आपके केस में प्रमोशन दिखाई देती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई देती है मुझे यहाँ पे. अगर आप एक मेल फिगर हैं खास करके देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप बिजनेस में अगर हैं तो पक्का कोई नई शुरुआत करेंगे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई नया स्टार्टअप डालेंगे, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर. और काफ़ी केसेस के अंदर ये कि आपने कोई काम ऐसा जो बहुत पहले पुराना कभी किया था लेकिन उसको बहुत पहले बंद कर चुके हैं, अचानक से आपको एक आइडिया आ सकता है कि आपको वही काम जो है दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए और आप उसको भी जो है अप्रैल के महीने में रीस्टार्ट जो है कर सकते हो. बात करते हैं आपकी हेल्थ की. हेल्थ कैसी रहेगी, एस ऑफ राफियल एंड चैरियट का कार्ड है तो बहुत बढ़िया रहने वाली है. हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगर कोई छोटी मोटी परेशानी चल भी रही थी पहले से हेल्थ को लेकर के तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होएगी, हेल्थ बेटर हो जाने वाली है. आपका ग्राफ हेल्थ के मामले में ऊपर जा रहा है, यानी कि अच्छा होगा, ठीक होने वाला है, बैलेंस हो जाओगे. ठीक है जी, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की. लव लाइफ में कार्ड आ रखा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, साथ में ये ब्रोकन हार्ट. तो बहुत सारे ब्रेकअप्स भी होंगे और विद दिस एस ऑफ राफियल एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट दो चैप्टर निकल के आ रहे हैं कि एक जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनको ये सीखना बड़ा ज़रूरी है अप्रैल के महीने में कि जी खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो. बड़ा मुश्किल है जब जब हम हमारी खुशियाँ दूसरे की पॉकेट में डाल देते हैं ना तो ये प्रॉब्लम ना आती ही आती है. तो आज नहीं तो कल दिल टूटना था, दिल टूटेगा तो दर्द भी होगा. तो अप्रैल के महीने में मुझे लगता है कोई नए रिलेशनशिप में आप ना पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा, जिन लोगों का रिसेंट ब्रेकअप हो रहा है. ठीक है जी, कुछ एक केसेस में जो लोग ऑलरेडी सिंगल थे, आपके केसेस में बिल्कुल एक नए लव की शुरुआत हो सकती है, किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है. जो लोग अभी सिंगल हैं और खास इंटरेस्टेड भी नहीं है अभी बहुत मिंगल होने में, उनके लिए मैसेज यही है कि खुद से प्यार करो, लव योर सेल्फ फर्स्ट. मदर हीलिंग का कार्ड है और रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है. रिमेन पॉजिटिव का कार्ड मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लो फील कर सकते हैं, सैड फील कर सकते हैं. तो भगवान जी बोल रहे हैं कि बेटा ज़्यादा लो फील करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा. विद द मदर हीलिंग एज यू योर फीलिंग्स टूवर्ड्स योर मदर हील योर डिज़ायर मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली. कई बार ना हमारी लाइफ में बहुत सारे काम अटक रहे होते हैं और हमें ना रीज़न समझ में नहीं आ रहा होता कि काम क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ तो ठीक है फिर भी नहीं हो रहा. तो उसका मतलब क्या होता है, कई बार ना जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आपके जीवन पे आता है, उसका भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है. तो आप जैसे जैसे अपने पेरेंट्स के साथ अप्रैल के महीने में रिश्तों को ठीक करोगे, खास करके आपकी मदर के साथ अगर आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप अपनी मदर
अंदर के साथ जो है अपने रिलेशनशिप को अप्रैल के महीने में ठीक करने की कोशिश करो, और जैसे जैसे आपके और आपकी मदर का रिलेशनशिप हील होना शुरू होगा वैसे वैसे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस खत्म होती चली जाएंगी। आपकी मेन एनर्जी ऑफ द मंथ है जजमेंट का कार्ड, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को री में जाने वाले हो, री इन द सेंस दोबारा रिपीटेंस में होंगी। काम जो है पुराना दोबारा उठा करके आप शुरू कर सकते हो, पुराना प्रेमी वापस आ सकता है, उसके साथ रिकंसिलेशन पॉसिबल है। ये दिल तोड़ा था मार्च एंड के अंदर, अप्रैल में रोना धोना शुरू किया था, उसकी वापसी फिर हो जाएगी सेकेंड वीक में और आप फिर से उसके साथ रिकंसिलेशन में चले जाओगे। कुछ केसेस में आप मेडिटेट करते टाइमिंग पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, तो आपका ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड के साथ में मोह भी जो है ख़त्म हो सकता है, डिटैचमेंट के मोड में भी जा सकते हो विद दिस जजमेंट कार्ड। अफर्मेशन जो आपको अप्रैल के महीने में यूज़ करनी है उसके लिए कार्ड आया है सेक्रल चक्रा। आई फील कम्फर्टेबल इन माई ओन बॉडी एंड आई एम सेंसिटिव टू अदर्स पीपल फीलिंग्स। ये जो अफर्मेशन है ये आपको जितना हो सके इस महीने जो बार बार रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी अफर्मेशन। आप जैसे हो जो भी हो अपनी लाइफ में जो कर रहे हो आपको बहुत कॉन्फिडेंट बना देगी। मैं रिपीट कर रही हूँ इस अफर्मेशन को, आई फील कंफर्टेबल इन माय ओन बॉडी एंड आई एम सेंसिटिव टू अदर्स पीपल्स फीलिंग्स। ठीक है, इसको जितना हो सके बार बार बोलिए। रीडिंग को सम अप करेंगे तो पैसों को लेकर के बैलेंस रहने वाला है, जितना ज़रूरत है उतना पैसा आ जाएगा, सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें फुलफिल होंगी। करियर के अंदर भी प्लस ही दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आप जरूर करेंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी, इंप्रूवमेंट्स दिखाई देती है, हीलिंग दिखाई देती है। लव लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिला जुला सा महीना रहेगा, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स होंगे, कुछ लोगों के केस में न्यू लव की एंट्री होगी और कुछ लोग स्टिल सिंगल रहने वाले हैं लेकिन खुद से प्यार करना सीख जाएंगे। कुछ एक के केसेस में पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, खास करके मदर के साथ में, तो आपको अपनी मदर के साथ में रिलेशनशिप को ठीक करना चाहिए। कलर जो आपके लिए लकी रहने वाला है वो है ब्लू एंड पर्पल। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 एंड नंबर 6 बोथ आर लकी फॉर यू। तो ये था आपका टैरोस्कोप सेजिटेरियस। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।